तो अब हम हमारे नुस्खे में ले रहे हैं एलोवेरा जेल। तो ऑडियंस, एलोवेरा जेल हमारे बालों को स्मूथ बनाता है, उन्हें शाइनियर बनाता है और उनमें मॉइस्चर और टेक्सचर लेकर आता है। और ऑडियंस, जब हमारे बालों में अच्छा टेक्सचर होता है और हमारे बाल स्मूथ होते हैं तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखते हैं। एलोवेरा जेल डैमेज्ड बालों को भी रिपेयर करता है, मतलब जो रूखे सूखे बाल होते हैं, जिनके भी बाल रूखे सूखे हैं, अगर वो एलोवेरा जेल अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा जेल उनके डैमेज्ड हेयर को रिपेयर कर देता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है, मतलब उन्हें नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उन्हें हेल्दियर बनाता है। तो हमारे नुस्खे में हमें एलोवेरा जेल की बहुत ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे। तो आपको एक बाउल या फिर एक कटोरी लेना और उसमें आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। तो ऑडियंस, आलू में मतलब पोटैटो में पर्याप्त मात्रा में स्टार्च और ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, मतलब आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। और आलू का रस आपके बालों में से ऑयल को क्लीन कर देता है, मतलब आपकी स्काल्प को अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है और आपके हेयर्स में से डर्ट को भी अच्छी तरीके से निकाल देता है। सो गाइस, हेयर ग्रोथ के लिए पोटैटो जूस के जितने भी फायदे थे, जितने भी बेनिफिट्स थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर पोटैटो जूस निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो जूस निकाल लिया है और पोटैटो जूस निकालने के बाद आपको एक से दो चम्मच एक बाउल में, मतलब एक कटोरी में आपको पोटैटो जूस ले लेना है। मतलब हमारे नुस्खे में एक से दो चम्मच पोटैटो जूस लगेगा, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोटैटो जूस ले लेना है। तो ऑडियंस, ये जो जूस और ये जो एलोवेरा जेल हमने यहाँ पर लिया है हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए, तो अब हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। तो आपको अच्छी तरीके से दोनों को कर लेना है मिक्स, एलोवेरा जेल और जूस को। लेकिन ऑडियंस, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी दोनों लें, मतलब आप एलोवेरा जेल और जूस को लें, तो दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने एक चम्मच एलोवेरा जेल लिया है तो एक चम्मच आपको जूस भी लेना है। तो हम दोनों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आपको एक से दो मिनट इनको अच्छी तरीके से करना है मिक्स और उसके बाद आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया है इनको मिक्स और ये देखिए हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। आपको भी एक से दो मिनट इनको मिक्स करना है और आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ऑडियंस, आपको एक हफ्ते में इस नुस्खे को दो से तीन बार अपने बालों पर अप्लाई करना है। मिनिमम आप दो बार इस्तेमाल कर सकते हो और मैक्सिमम आप तीन बार इसे अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकते हो एक हफ्ते में। और आपको इसे लगातार चार से पांच हफ्ते तक अपने बालों पर लगाते रहना है। और आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आपको दो या तीन हफ्ते में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस नुस्खे को अप्लाई करने से। आपके बाल बहुत तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे। तो आपको करना क्या है कि हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल करना है। और जब भी आप इस नुस्खे को अपने बालों पर इस्तेमाल करें तो आपको इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाने के बाद दो घंटे के लिए अपने बालों में इसे सूखने के लिए रहने देना है। मतलब दो घंटे के लिए आपको इस नुस्खे को अपने बालों में लगे रहने देना है, जिससे आपकी बालों की जड़ें इस नुस्खे को अच्छी तरीके से, इस पेस्ट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, जिससे आपके हेयर्स अच्छी तरीके से ग्रो करें। तो आपको फिर करना क्या है ऑडियंस, आप चाहे तो इसे दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे को। तो अब आपको दो घंटे के बाद अपने बालों में जब ये नुस्खा लगा लें, उसके दो घंटे बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लेना है। लेकिन अपने बालों को धोते समय आपको एक बात में ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने बालों को धोते समय ना किसी साबुन का इस्तेमाल करना है अपने बालों में, और ना ही शैम्पू का और ना ही कंडीशनर का। आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लेना है और फिर आप देखोगे ऑडियंस की एक महीने या फिर डेढ़ महीने बाद आपके हेयर्स बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से लंबे और घने होने लगेंगे।